जबलपुर में कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप और निजी अस्पतालों के द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए शनिवार को स्थानीय सांसद और लोकसभा मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद राकेश सिंह निजी अस्पताल संचालकों के खिलाफ खुलकर बोलने से बचते रहे। श्री राकेश सिंह ने कहा, इस कोरोना काल में निजी अस्पतालों के चिकित्सक कोविड मरीजों के इलाज करते रहे, इसके लिए चिकित्सकों का मनोबल बनाए रखना भी हमारा काम है, ताकि चिकित्सक और हॉस्पिटल कोविड मरीजों के इलाज के लिए इनकार न करें। इसके लिए कलेक्टर को निजी अस्पताल संचालकों से बात कर समाधान निकालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सांसद श्री सिंह ने माना कि उचित कीमत पर लोगों को इलाज मिले आज इसकी जरूरत है। गौरतलब है कि निजी अस्पताल संचालकों के द्वारा कोविड 19 के मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 20 से 30 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे पर एक दिन पहले किए गए विरोध प्रदर्शन पर श्री सिंह ने कहा कि विपक्ष कोरोना वायरस पर राजनीति न करे, कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। बालाघाट मंडला में घटिया अनाज वितरण मामले पर सांसद राकेश सिंह ने प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। पूरे विश्व में है, देश में है, प्रदेश और हमारे संसदीय क्षेत्र जबलपुर में भी है, और हमें खुशी इस बात की प्रारंभिक रूप से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से इससे निपटने के प्रयास हुए। मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज जी के आने के बाद बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए इस दिशा में, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक ये बीमारी रुकेगी ऐसा दिखता नहीं है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले जो हमारे पास हमारी आधारभूत संरचनाएं हैं वो चाक चौबंद हों, सुदृढ़ हों, ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। और इसीलिए आज जो बैठक कलेक्ट्रेट में हुई है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, उसमें यही तय किया है कि मेडिकल कॉलेज हो, विक्टोरिया हॉस्पिटल हो, यहाँ पर हम व्यवस्थाओं को कितना ठीक कर सकते हैं, लोगों के भीतर विश्वास कितना हम जगा सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है काउंसलिंग की, कि ये बात ठीक है कि कोरोना जब प्रारंभिक रूप से होता है तो डॉक्टर्स के मुताबिक उसको बहुत सारी दवाइयाँ देने के लिए कुछ होती नहीं, लेकिन उसका मनोबल बढ़ा रहे, उसकी समय उसकी काउंसलिंग ठीक तरीके से हो जाए तो काफ़ी हद तक उस मरीज को उससे निपटने में आसानी होगी। आज उस पर विस्तृत चर्चा हुई है, उसको लेकर एक मैकेनिज्म भी तैयार हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें परिवर्तन और काफ़ी सारे सुधार आएंगे। निजी अस्पतालों के बारे में भी बातचीत हुई है, हमने आज कलेक्टर से कहा है कि उनके साथ बैठकर और इसको निपटारा करना चाहिए। कहीं से भी ये किसी के लिए भी उचित नहीं है, ना समाज के लिए उचित है, ना डॉक्टर्स के लिए और ना ही निजी अस्पताल के मालिकों के लिए, क्योंकि आखिरकार कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षाएँ डॉक्टर्स से होती हैं, हॉस्पिटल से होती हैं, और हॉस्पिटल हैं इसीलिए कि आपातकाल में लोग वहाँ पर जाएँ और उनको इलाज मिले। इसलिए ये उचित नहीं है कि कोविड पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल ना लें, तो उचित कीमत पर लोगों को सही इलाज मिले इसकी व्यवस्था होना चाहिए। कलेक्टर से कहा है कि आज ही सभी के साथ बैठकर इस पर चर्चा करें। पोस्टर न्यूज के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।